नमस्कार, आज मैं बिना प्याज लहसुन का छोला की रेसिपी बनाने जा रहे हूँ। इसके लिए काबली चना को लेकर के इसे हम पानी में रात भर भिगो दिए थे, या लगभग कम से कम 6 घंटा पानी में भिगो करके रखिएगा। ये पानी में भिगोया हुआ काबली चना है। भिगोया हुआ काबली चना को कुकर में डाल देते हैं। एक तेजपत्ता, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और 2-3 लौंग, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, लगभग आधा छोटा चम्मच, पानी, पानी लगभग 2 गिलास डाल दिए। इधर गैस ऑन करके कुकर को चढ़ा दिए हैं और कुकर का ढक्कन को लगा देते हैं। कुकर का ढक्कन को लगाने के बाद 1 सीटी तेज आंच पे और लगभग 7-8 मिनट धीमी आंच पे इसे पका लेते हैं। जब तक काबली चना बॉयल हो रहा है, तब तक हम इधर एक टमाटर, थोड़ा सा अदरक और एक हरी मिर्च है, ये तीनों का हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा कसूरी मेथी, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। 1 सीटी तेज आंच पे और 7-8 मिनट धीमी आंच पे आने के बाद गैस को ऑफ कर देते हैं और कुकर को इसी तरह से ठंडा होने देते हैं। कुकर ठंडा होने के बाद कुकर का ढक्कन को खोल लिए हैं। अब हम काबली चना को चेक कर लेते हैं, ये अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। इधर फिर से गैस ऑन करके कुकर को चढ़ा दिए हैं। कुकर की जगह आप कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि काबली चना तो पहले से ही बॉयल किया हुआ है। और इसमें हम 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल को डाल दिए हैं। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को डाल देते हैं, साथ में हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर को भी डाल देते हैं और इसे थोड़ा सा चला लेते हैं। और इसमें हम कश्मीरी कसूरी मेथी को डाल देते हैं। टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट तैयार किए हैं उसे भी डाल देते हैं, साथ में थोड़ा सा नमक को डालते हैं, क्योंकि काबली चना बॉयल करने समय में ही नमक डाले हैं। और इसे चलाते हुए टमाटर को अच्छी तरह से पका लेते हैं। टमाटर अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें बॉयल किया हुआ काबली चना पानी सहित ही डालेंगे। इसमें आप चाहे तो ये सबको निकाल भी सकते हैं और ऊपर से थोड़ा सा और पानी को डाल देते हैं। पहले इसे हम मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसे हम इसी तरह से ढक करके 5 मिनट और पका लेते हैं। लगभग 5 मिनट हो गया, अब इसे चेक कर लेते हैं। छोला बन करके तैयार है। आप ग्रेवी अपने अनुसार पतला या गाढ़ा भी रख सकते हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे सर्व कर लेते हैं। छोला को सर्व कर लिए हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।